नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। टीम इंडिया के नए डाइट प्लान को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए एक नया डाइट प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक खिलाड़ियों को चलना होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक डाइट प्लान तैयार किया है। इसमें प्रतिबंधित मांस बीफ यानी गाय का मांस और पोर्क यानी शुअर का मांस खाने की अनुमति नहीं है। खिलाड़ियों को सिर्फ हलाल मीट परोसने की अनुमति दी गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बवाल मच गया। अब इस पूरे विवाद पर बीसीसीआई को सफाई देनी पड़ी है। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज किया है। धूमल ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ियों या सपोर्ट स्टाफ के लिए इस तरह का कोई डाइट प्लान तैयार नहीं किया है। वे आज़ाद हैं, अपने मन के मुताबिक कुछ भी खा सकते हैं। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ियों के डाइट प्लान की खबरें सच नहीं है। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को क्या खाना है और क्या नहीं, इस बारे में बोर्ड ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। ये सिर्फ अफवाह हैं। बता दें कि बीसीसीआई का कथित डाइट प्लान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद बीसीसीआई प्रमोट हलाल मीट ट्रेंड कर गया था। कुछ लोग जहां इसके समर्थन में दिखे, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।